आप क्या करती है? मैं टीचर हूँ। क्या आंध्रा गवर्नमेंट में? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट में नॉर्मल प्राइवेट टीचर। अच्छा, तो आप रहती कहाँ है? हम रहते वहाँ पे उड़ीसा में। उड़ीसा में, गजब फैमिली। आप उड़ीसा में पोस्टिंग होगी इनकी? हाँ, उनकी पोस्टिंग है। उड़ीसा में नवीन बाबू साफ हो गए? हाँ हाँ, वो तो हो गए। कैसे क्या हुआ हुआ वहाँ? तो बोलते हैं गवर्नमेंट चेंज करना जरूरी है, ऐसा उतना 25 साल देना जरूरी नहीं है उसका, तो ऐसे बीजेपी देना जरूरी है। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका वंश देना होता है। अच्छा, ये सेंटर में जो मैंडेट आया मोदी जी को, फुल मेजोरिटी नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते? देखता नहीं, आ जाएगा वही, इसी को खड़ा करेगा, इसी को देगा। चिंता मत कीजिए, भगवान का आशीर्वाद है, बहुत कुछ किया है मेरा लेवल में, उसके बाद भगवान की इच्छा है, दैट माई ओपिनियन। चलिए ठीक है, अब जरा कुछ और लोगों से, कुछ देश के दूसरे इलाके के लोगों से कुछ और चर्चा करता हूँ। तो देखिए, इंडिया गेट पर चलते चलते मुझे लोग जैसे मिलते जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? सर, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जयपुर राजस्थान। आप शादीशुदा हैं अभी? सेकंड हनीमून? मैरिड है, मैरिड है। 3 महीने हुए शादी को। अरे अभी सेकंड हनीमून, मिनी सेकंड हनीमून है हमारा यहाँ पे। तो आप कहाँ, आप जयपुर के रहने वाली? हाँ, दोनों ही जयपुर के। तो जहाँ ये काम करते हैं वहीं आप भी करती? नहीं नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट। अरेंज मैरिज है सर? अरेंज मैरिज है, वही मैंने सोचा। लगता नहीं है लव मैरिज ऐसा है, लगता नहीं है, हमारी नॉर्मल की अरेंज मैरिज है। लेकिन आजकल अरेंज मैरिज हो कहाँ रही? हो रही है, हमारी हुई है। आपके सामने खड़े हैं? हाँ। खुश हैं? नहीं, हम भी खुश हैं यार ये देख करके। ये तो बोलना ही पड़ता है, भाभी टीवी देखती है आपका सारी डेली। तो एक सवाल मेरा ये, मैं लोगों से जानने की, आप राजस्थान के आप लोग मिल गए, अभी राजस्थान में जब इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली, वहाँ पे उसकी सरकार बन गई, फिर राजस्थान में चुनाव हुए, आपने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी, बीजेपी को इतना नुकसान कर दिया, क्यों? हम तो बीजेपी की तरफ ही हैं, हमारे वोट तो बीजेपी में गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से बदल दिया हमारा जज्बात बदल दिए, क्या कर दिया है राजस्थान वालों ने। हम तो मोदी को ही सपोर्ट करते हैं सर, और उससे भी ज़्यादा तो अयोध्या में इशू हुआ हुआ है। शॉकिंग न्यूज़ हमारी योगी जी के लिए। बिल्कुल, अयोध्या बनने के बाद भी अयोध्या में जो टेररिज्म मेन इश्यूज हैं, और कोई नहीं है सर, घर सेफ रहना चाहिए, पैसा तो कमाते रहेंगे, बाकी तो ठीक है, जो सेफ रखे वही ठीक है। नेता हमारा जो सेफ रखे हमें वही नेता है हमारा। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या की सीट का आपको भी शॉकिंग लगा? बिल्कुल, थोड़ा तो है शॉकिंग तो है। योगी जी हमारे फेवरेट हैं। योगी जी फेवरेट हैं। अच्छा, आपके चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा आपके फेवरेट योगी हैं? वो भी फेवरेट हैं सर, वो हमारे राजस्थान में फेवरेट हैं, और ऐसे बीइंग यूपी, हम हिंदू की तरह से देखें तो योगी जी ने भी यूपी का बहुत सुधार किया सर। तो योगी जी के तो सरकार में सीट इतना कम होगी? पता नहीं, अब यही समझ में नहीं आ रहा, कहते हैं ना लव मैरिज ऑलवेज, लड़की कभी बदल सकती है सर, किसी के लिए कितना ही कर लो कोई कभी भी बदल सकता है सर। हम वैसे ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं है, नॉर्मल है, इतना कुछ नहीं। अरे तो हम ज्यादा बिल्कुल नहीं हूँ मैं, कहा ज्यादा पॉलिटिक्स की बात पूछता हूँ मैं, तो चलता फिर तो जो बात करे वो बात करे। बहरहाल आपकी शादी बहुत ही सुखपूर्ण हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, आप जिंदगी भर आप लोगों का वैवाहिक जीवन खूब सफल हो, इसी शुभकामना के साथ अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।